दोस्तों, आज आप देखेंगे कि स्विच ऑफ है फिर ये बहुत हल्का हल्का जल रहा है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखा जो कि सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया उसके बारे में। ठीक है, मैं एक सीधा आपको बताता हूँ इसका पीछे क्या कारण है। वो सबसे आसान तरीका यही है आपके लिए समझने के लिए कि स्विच से जो तार ऑफ हो रहा है वो निगेटिव सप्लाई करते हैं, इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ रही है जिसके चलते बल्ब ये हमेशा जल रहा है। ठीक है, देखिए मैं अभी इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको ऑन कर पूरा ग्लो किया, जैसे मैंने इसको ऑफ किया ये पूरा बंद नहीं हो रहा। ठीक है, अब जब देखिए यहाँ से मैं इसको निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए निकालते से बंद, और जब भी मैं इसको हल्का सा लगाऊंगा, ठीक है अब मैं इसको पलट के लगा रहा, ऐसे लगा हुआ था, ऐसे मैंने घुमा दिया और फिर मैं लगा के दिखता हूँ। ठीक है, इधर से भी वही हाल है, और घुमा के फिर दोबारा इधर से दिखाता हूँ, इधर से भी है। तो इसका सीधा 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 बात है कि इसमें जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, फेज जरूर आ रहा है। देखिए फेज यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, फेज नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसको न्यूट्रल कट रहा है। ठीक है, तो कोई कोई बॉल, ऐसा नहीं है कि हर बॉल, कोई कोई बॉल जलता है। जैसे मेरे हाथ में एक दूसरा बॉल है, ठीक है, जिसे मैंने खोल रखा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल नहीं जल रहा है, मैंने इसका कवर इसलिए हटा रखा है कि आपको हल्का भी जलते ये दिखाई दे, बिल्कुल नहीं जल रहा है। अब जब मैं स्विच ऑन करता हूँ, देखिए ये बिल्कुल जलने लगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया, बिल्कुल नहीं जल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको वापस से लगाता हूँ, देखिए ये जलने लग रहा है। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ये जो फेज आ रहा है इसको स्विच ऑफ होने के साथ फेज कटना चाहिए, जबकि इसमें कनेक्शन फॉल्ट होने के चलते, वायरिंग फॉल्ट होने के चलते न्यूट्रल सप्लाई कट रही है, फेज इसमें आ रहा है, जिससे हल्का सा कोई कोई बॉल हल्का फेज पे हल्के सा अर्थिंग लेके वो जल उठता है। ठीक है, जैसे मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ फेज आ रहा है, मैंने यहाँ से फेज ले लिया। ठीक है, अब ये बॉल को देखिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखिए इसे अभी टच किया फेज नहीं, ठीक है, यहाँ देखिए फेज मिल रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसको टच किया, ऐसे नहीं चल रहा है, लेकिन बल्ब क्या होता है कभी कभी नमी ले लेता है। जो देखिए न्यूट्रल, देखिए हल्का सा दीवार में ये पॉइंट टच हुआ, ठीक है, दीवार में हल्का सा टच हुआ और देखिए जलने लगा। ठीक है, महसूस कर पा रहा है, मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या हो रहा है कि दीवार में हल्का सा भी टच हो जा रहा है तो ये जल रहा है। ठीक है, ये जल रहा है, कब जल रहा है, जब यहाँ पे मुझे फेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फेज मिल रहा है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे मैंने लाइट जलाया, देखिए ये फेज के बदले निकाल के मैं यहाँ लगाता हूँ न्यूट्रल में। ठीक है, न्यूट्रल में लगा दिया। अब देखिए ये, और मैं यहाँ सटा भी दूंगा बिल्कुल अच्छे से तो नहीं जल रहा। ठीक है, अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है, इसमें से निकाल के देखिए मैं जैसे फेज में मैंने दिया, ठीक है, देखिए जलने लगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर फेज कटेगा तो हल्का नमी भी उठाएगा बॉल तो नहीं जलेगा, अगर न्यूट्रल कटेगा तो हल्का सा भी नमी वमी मिलेगा बॉल को तो ये बॉल हल्का हल्का जलने लगेगा कंटिन्यू। इसका पीछे का यही लॉजिक है। इसके लिए आप कनेक्शन पलट देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कनेक्शन पलटने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के जरूरी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।